वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 125 सीआरपीसी में लागू हो गया ये नियम। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा नियम है। इसमें मामला ये था कि वाइफ ने 125 सीआरपीसी का केस किया, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग की। मेरिट के आधार पर कोर्ट ने पत्नी की ये पिटीशन खारिज कर दी। कुछ समय के बाद पत्नी ने फिर से 125 सीआरपीसी का केस डाला और उस केस को अलाउ कर दिया गया। हस्बैंड ने इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में चैलेंज किया और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा केस को फिर से खारिज कर दिया गया। अब पत्नी पहुंची हाई कोर्ट में। इसमें पति की तरफ से ये कहा गया कि एक बार 125 सीआरपीसी का केस मेरिट के आधार पर डिसमिस हो गया है, अब पत्नी दोबारा केस नहीं कर सकती। कानून भी यही है कि एक बार केस खारिज हो जाने पर आप वही सेम केस दोबारा नहीं डाल सकते। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी का केस जो खारिज हुआ था वो पर्टिकुलर ग्राउंड्स के आधार पर खारिज हुआ था, और अभी जो पत्नी का केस है अब तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मेंटेनेंस परिस्थितियों के आधार पर होता है, और मेंटेनेंस के केस में रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता और हाई कोर्ट ने केस को अलाउ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एक बार मेंटेनेंस केस खारिज हो जाने के बाद कुछ समय के बाद दोबारा से केस किया जा सकता है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप पूरे मामले को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।